हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर सेफ एंड वेल। तो लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसके अपने तीन लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके थे। फर्स्ट लेक्चर आपका रिलेटेड था इलेक्ट्रिकल करंट से रिलेटेड एंड ओम्स लॉ से रिलेटेड। सेकेंड लेक्चर में आपने पढ़ा था द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और लास्ट लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था? The derivation for drift velocity. Okay, ये तीन लेक्चर अपने कंप्लीट हो चुके थे। अब आज की क्लास में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की। ओके, द सिंबल फॉर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज कैपिटल R. अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता क्या है? ओके, पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर डेफिनेशन से इसके फॉर्मूले पे आएंगे। तो डेफिनेशन लिखो पहले सब इसकी। प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल, प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल मटीरियल भी ले सकते हो, मेटल भी ले सकते हो, प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल टू ऑब्स्ट्रैक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टू ऑब्स्ट्रैक्ट the flow of electric current. समझ में आया डेफिनेशन? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल टू ऑब्स्ट्रैक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, ये एक मटीरियल की प्रॉपर्टी होती है, एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है, जो कि किसको रोकने का काम करती है? करंट के फ्लो को रजिस्ट करने का काम करती है, रोकने का काम करती है। ओके, अब आप यहाँ पर एक सपोज कर रहे हो कि ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, क्लियर? कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के अंदर आपने क्या कनेक्ट कर रखा है? एक बैटरी को कनेक्ट कर रखा है। बैटरी कनेक्ट करोगे तो आपको क्या देगा ये सर्किट के अंदर? पोटेंशियल डिफरेंस देगा। सपोज मैंने यहाँ पर V वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। ओके, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जैसे ही आपने इस कंडक्टर के अंदर बैटरी को कनेक्ट किया, पोटेंशियल अप्लाई किया, सर्किट के अंदर क्या फ्लो होगा हमारे पास? करंट I फ्लो होगा। जैसे ही करंट I फ्लो होने लगता है इस कंडक्टर के अंदर, तो इस कंडक्टर की क्या, मेटल की क्या नेचर होती है, मटेरियल की क्या नेचर होती है, कि ये इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसको रोकने का काम कर रहा है, उसको रोकती है। ठीक है, क्लियर? तो जो रेजिस्टेंस R होता है वो क्या होता है? R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। This is the very important formula for the electrical resistance. ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसको आपको चेंज नहीं करना है। ओके, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किस किस का रेशियो होता है? पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट आई का। क्लियर यहाँ तक? अब देखो, कई बच्चे क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को ओम्स लॉ से कोरिलेट करने लग जाते हैं। ओके, ओम्स लॉ में क्या होता है हमारे पास? V is directly proportional to I, V is equals to I R and R is equals to V upon I. ओम्स लॉ में भी हमारे पास यही फॉर्मूला होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है? ओम्स लॉ के अंदर जो आप रेजिस्टेंस लेते हो वो रेजिस्टेंस किसका काम करता है? एक कांस्टेंट का काम करता है। ठीक है, जबकि हर मटेरियल में रेजिस्टेंस R की वैल्यू फिक्स नहीं होती है। ओके, जैसे कि डायोड है, ट्रांजिस्टर है, उनके ग्राफ आपको लीनियर वाले नहीं मिलेंगे, उनके ग्राफ आपको कर्वेचर फॉर्म में मिलते हैं इस तरीके से। जैसे कि डायोड का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके का होता है। तो क्या ये ग्राफ लीनियर फॉर्म में मिला? ऐसे ही ये डायोड का ग्राफ है, ऐसे ही हमारे पास ट्रांजिस्टर का ग्राफ होता है, वो इस तरीके का होता है। क्या ये लीनियर है? नो,
दिस इज अ ग्राफ फॉर ट्रांजिस्टर, दिस इज अ ग्राफ फॉर डायोड. दीज ग्राफ्स आर नॉट लीनियर. ये ग्राफ लीनियर नहीं है. जबकि ओम्स लॉ क्या कहता है, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. जब एक दूसरे के V और I प्रोपोर्शनल है तो इसके अकॉर्डिंग तो ये ग्राफ कैसा आना चाहिए, लीनियर. ओके, R कांस्टेंट होना चाहिए. तो ये ओम्स लॉ हर जगह वैलिड नहीं होता है, कई जगह ये फेल हो जाता है, जैसे कि डायोड ट्रांजिस्टर में. तो आप ओम्स लॉ को हर जगह एप्लीकेबल नहीं मान सकते हो. ओके, क्लियर. तो रेजिस्टेंस R की जो आपको हरदम याद रखने वाली डेफिनेशन ध्यान रखनी है वो क्या है, रेजिस्टेंस R इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट. ये बिल्कुल आपकी रेजिस्टेंस की फिक्स डेफिनेशन है, इसमें कहीं कोई वेरिएशन नहीं आना चाहिए. और आपको इस डेफिनेशन को ओम्स लॉ से भी कोरिलेट नहीं करना है, क्योंकि ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस R की वैल्यू फिक्स होती है, जबकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि रेजिस्टेंस R आपके पास फिक्स हो. ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है. ओके, क्लियर. ठीक है, ये करिए अपन ने रेजिस्टेंस R की बात. अब अपन इस फॉर्मूले को ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के कॉम्बिनेशन से निकालेंगे. ठीक है, क्लियर. अब आपने क्या सपोज किया कि ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर क्या है हमारे पास, फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से रैंडम मूवमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे से टकराते हुए आगे बढ़ रहे हैं. इस तरीके से इसका मूवमेंट हो रहा है और ये इस तरीके से आगे भी बढ़ रहे हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ. यहाँ पर फोर्स लगेगा और जिस वेलोसिटी से ये आगे बढ़ते हैं उसको आप क्या बोलते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराता हुआ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जिस वेलोसिटी से मूव करता है वो होती है हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ओके, क्लियर. तो अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, इस रेजिस्टेंस के फॉर्मूले को किसके फॉर्म में निकालोगे, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉम्बिनेशन में. ओके, तो आपने इससे पहले वाले लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में जो डेरिवेशन किए थे उन्हीं डेरिवेशन के फॉर्मूलाज आप यहां पर यूज करेंगे. क्लियर, ठीक है. तो द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज व्हाट, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये लेक्चर नंबर 2 में आप पढ़ चुके हैं. I इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी. इसमें किसी को कहीं किसी तरीके का कोई डाउट नहीं होना चाहिए. ये डेरिवेशन आप लेक्चर नंबर 2 में कंप्लीट कर चुके हैं. ओके, क्लियर. सिमिलरली आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला भी पढ़ा था. ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज इक्वल्स टू ई टॉ बाय एम. ये फॉर्मूला भी आप डिराइव कर चुके हैं. दोनों के फॉर्मूले अपन लेक्चर नंबर 2 और 3 में डिराइव कर चुके हैं. ओके, इसको थोड़ा सा आप मॉडिफाई करके लिख सकते हो. ई इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कैसे चेंज करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू वी बाय एल. ये टो आप लिख दो और ये एम एज इट इज ऐसा ही कॉपी हो जाएगा. ठीक है, क्लियर. एम एल आपने क्या करा, इस वी को क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख भी सकते हो, हियर ई इज इक्वल्स टू वी बाय एल. ये आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके, उसके अकॉर्डिंग आपने ये दो फॉर्मूलाज लिखे हैं. ओके, ये फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2. अब आप क्या करोगे, आपकी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, रेजिस्टेंस आर का जो फॉर्मूला है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप निकालोगे. ओके, क्लियर. नाउ यहां पर आपको सिंबल्स का जनरल मीनिंग सबको पता है, एक बार फिर से बता देते हैं, ध्यान देना सब. करंट आई का जो आपने फॉर्मूला लिखा है, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, यहां पर स्मॉल एन क्या है आपके पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम,
कि 1 meter cube वॉल्यूम के अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है। सपोज ये आपके पास कंडक्टर था, ये कंडक्टर आपने बनाया था, इसके 1 meter cube वॉल्यूम के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप क्या बोलते हो, स्मॉल n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। एक वॉल्यूम के अंदर जितने नंबर होंगे उसको आप क्या बोलोगे, n, स्मॉल n। ठीक है, तो सिंबल्स का यहाँ पर जनरल मीनिंग है, n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, e इज व्हाट, e क्या है हमारे पास यहाँ पे बताओ, e इज चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है उसका सिंबल क्या होता है, e। सिमिलरली a इज व्हाट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्या लिया था आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंडक्टर के अंदर। सपोज ये आपके पास कंडक्टर था, ये बैटरी आपने लगाई, ठीक है, क्लियर, ये पोटेंशियल वी आपने अप्लाई किया था, करंट आई फ्लो हुआ, तो ये आपका एरिया था, एरिया, दिस इज एरिया परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लोइंग, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसके परपेंडिकुलर लेते हो आप, या लेंथ ऑफ द कंडक्टर के परपेंडिकुलर ले लो, एक ही बात है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट वन इज व्हाट, वीडी इज व्हाट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन जो कि रैंडम मूवमेंट में है वो एक दूसरे से टकराते हुए जिस वेलोसिटी से आगे बढ़ते हैं उसको बोलते हैं अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, क्लियर, करंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं यहाँ पर करंट, तो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं वो होती है हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, और क्या आपके पास नई चीज है, ई चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन आ गया, वी क्या है आपके पास यहाँ पर, वी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, क्लियर। नेक्स्ट वन टॉ, टॉ इज व्हाट, टॉ इज, ये भी पढ़ चुके हो आप, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम भी अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। रिलैक्सेशन टाइम में क्या होता है, दोबारा फिर से समझ लो इसको, सपोज ये इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे रखा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देखो कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ साथ यहाँ पर ये पॉजिटिव आयंस भी है इस तरीके से जगह जगह पर, इन पॉजिटिव आयंस को आप क्या बोलते हो, कर्नल। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का जब रैंडम मूवमेंट होता है वो क्या करता है, इन पॉजिटिव आयन से ही तो टकराता एक दूसरे से, ठीक है, पॉजिटिव आयन से टकराता हुआ आगे बढ़ता है, क्लियर। तो ये इलेक्ट्रॉन है इस पोजीशन पे, ये पॉजिटिव आयन से आकर के यहाँ पर ये टकराया, ठीक है, जैसे ही टकराएगा स्टॉप होगा, फिर इसको दूसरा पॉजिटिव आयन मिला, फिर ये यहाँ पर टकराएगा, ठीक है। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम लगता है उसको बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम, टो इज रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, देखो नाम से ही क्लियर है, रिलैक्सेशन, जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपने आप को रिलैक्स कर रहा है, यहां पर रिलैक्स हुआ टकराने के बाद, अब यहां, ठीक है, यहां पर रिलैक्स हो रहा है टकराने के बाद, अब रिलैक्स होने के बाद वापस ही दूसरे आयन से यहां पर टकराएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये बीच में जहां पर इलेक्ट्रॉन रेस्ट करता है
अगले कोलिजन के लिए तैयार होता है उसको बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ तक के बीच का टाइम इंटरवल। ठीक है, ये टाइम इंटरवल अलग होगा, ये टाइम इंटरवल अलग होगा, तो ये और कंडक्टर के अंदर क्या है हमारे पास, एन इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा रिलैक्सेशन टाइम का, आप क्या लोगे सभी का एवरेज ले लोगे, तो ये टो एवरेज भी ले सकते हो आप यहाँ पे, क्लियर। अब क्या बचा अपने पास, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द लास्ट वन इज एल, एल क्या लिया था आपने, लेंथ ऑफ द कंडक्टर ऑफ द कंडक्टर, क्लियर। यहां तक सबको क्लियर है, आपने कुछ नहीं किया है, सिर्फ ये दो फॉर्मूलाज लिखे हैं जो कि अपन ने लेक्चर नंबर 1 और 2 में डिस्कस करे थे, डिराइव करे थे, इन्हीं फॉर्मूलेज के जनरल मीनिंग लिखे जो यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर आ रहे हैं। ओके, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इस कंडक्टर के अंदर एक वॉल्यूम के अंदर जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है उनको बोलते हैं अपन एन। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लिख लो उसको भी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये भी बोलते हैं इसको अपन। ओके, ई क्या है आपके पास, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये रहा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया। वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव हो रहा है वो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने अप्लाई किया है इसके कंडक्टर के एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। टॉ रिलैक्सेशन टाइम, जैसे टकराते हुए जो रिलैक्सेशन टाइम मिलता है। एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द लास्ट वन इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ओके, लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्या है अपनी, ये रही एल, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। अब अपनी नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि जो रेजिस्टेंस आर का फॉर्मूला है वो आप इनके कॉम्बिनेशन से निकालोगे। क्लियर, तो देखो साहब, नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, इसको अपन इक्वेशन नंबर दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुट दी वैल्यू ऑफ वीडी इन इक्वेशन 1, 1 में पुट कर दे अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, वीडी की वैल्यू को, तो क्या मिलेगा, I is equals to N E A. What is the value of VD? This one. E V 2 by M into L. Okay. I is equals to N E square tau a v upon ml, 2 times e आ रहा है, e square हो जाएगा, बाकी सब वही same quantities हैं, n a v tau ml upon में as it is वही है, clear। अब next step में क्या होगा, देखो क्या चाहिए आपको, resistance r, R क्या होता है, V अपॉन I, तो देखो ये V बाय I अपॉन में I लेके आ जाओ और बाकी टर्म्स को आप इधर लेके चले जाओ, तो क्या इक्वेशन बनेगी अपने पास, V अपॉन I इज इक्वल्स टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V अपॉन I, V अपॉन I इधर लेके गई, बाकी टर्म्स इधर जाएंगी, तो क्या बनेगा, ML अपॉन ML ऊपर गया, एन ई स्क्वायर ये नीचे आएगा,
क्या मिलेगा आपको? एन ई स्क्वायर टॉ ए। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, आपने क्या किया, ये दो इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, आपने क्या किया, इक्वेशन टू से VD की वैल्यू को किसमें पुट किया, इक्वेशन वन में। क्या मिला आपको, ये यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया तो इक्वेशन ये मिली। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं अपन, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R। R क्या होता है अपने पास, V अपॉन I, R इज इक्वल टू V अपॉन I होता है ना, अभी पढ़ा भी था, यह R इज इक्वल टू V अपॉन I, इसको ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की। क्लियर, V बाय I, ये यहाँ पर अपन ने इसको इस इक्वेशन को V बाई आई बनाया, अपॉन में ये I लेके चले गए तो ये V बाई आई मिल गया, बाकी टर्म्स इधर चली जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई में, ये आपको ऐसे मिला। ठीक है, इसको क्या बोल सकती हूँ मैं, V I बाय आई, क्या मिलेगा आपके पास, रेजिस्टेंस R। ठीक है, R इज इक्वल्स टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टो ए, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ओके, क्लियर, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये बहुत। अब देखो ये जो टर्म है m अपॉन n e स्क्वायर टो, ये कांस्टेंट होती है किसके लिए, फिक्स मटेरियल के लिए, फिक्स कंडक्टर के लिए। ठीक है, क्लियर, तो फिक्स टेम्परेचर पे एट फिक्स टेम्परेचर और कंडक्टर दिस टर्म विल बी कॉन्स्टेंट, और इस कॉन्स्टेंट टर्म को आप एक नाम देते हो, दे देते हो रो, रो आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए, ये रो है, क्या बोलेंगे इसको, आर एच ओ रो, और रो का मीनिंग क्या होता है, क्या होती है ये, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, या सिंपल आप इसको रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हो, ये आपके पास रेजिस्टेंस था और ये होती है आपके पास रेजिस्टिविटी। ठीक है, क्लियर, रेजिस्टिविटी ये थी। इसका मतलब क्या हुआ, ये दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, तो रो जो रेजिस्टेंस है वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक तो रेजिस्टिविटी के ऊपर, ठीक है, क्लियर, और लेंथ ऑफ द कंडक्टर और एरिया ऑफ द कंडक्टर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। यदि आप कॉपर के दो वायर लेते हो, एक वायर तो मेरे पास इतना है और दूसरा वायर इससे जस्ट डबल साइज का है, तो दोनों कॉपर वायर के लिए जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी, फिक्स नहीं होगी, जबकि उन दोनों वायर के लिए जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू होगी वो फिक्स होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर की लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। क्लियर, ये बिल्कुल कंसेप्ट माइंड में फिक्स कर लो, रेजिस्टेंस आर डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड एरिया ऑफ द कंडक्टर, बट रेजिस्टिविटी डजंट डिपेंड ऑन द लेंथ एंड एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, शेप और साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है रेजिस्टिविटी, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी, मटीरियल के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, हर मटीरियल की, हर मैटर की अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है। क्लियर, नाउ यहाँ पर आप रेजिस्टिविटी रो का यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, रो इज इक्वल्स टू आर ए बाय एल। ठीक है, रेजिस्टेंस आर की क्या यूनिट होती है, ये रहा रेजिस्टेंस आर, क्या यूनिट लिख सकते हैं अपन इसकी, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस किस में मेज़र करते हो, वोल्ट में, करंट किस में मेज़र करते हो, एम्पियर में, तो रेजिस्टेंस आर की क्या यूनिट होगी, वोल्ट अपॉन एम्पियर, या फिर इसको आप ओम भी बोल सकते हो, और ओम का सिंबल होता है हमारे पास ये इस तरीके से। ठीक है, क्लियर, तो रेजिस्टिविटी की क्या यूनिट होगी, रेजिस्टेंस आर ए अपॉन एल,
आर की यूनिट है ओम, एरिया होता है आपके पास मीटर स्क्वायर, लेंथ होता है मीटर में, मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल हो गया, तो रजिस्टिविटी के यूनिट क्या होती है ओम इंटू मीटर। क्या है ये हमारे पास यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी, रो इज इक्वल्स टू एम इंटू सॉरी ओम इंटू मीटर। क्लियर, ये रजिस्टिविटी की यूनिट हो गई ओम इंटू मीटर, जबकि रजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है सिंपल सिर्फ ओम। इज दैट क्लियर, तो ये माइंड में बिल्कुल फिक्स कर लो कि जो रजिस्टिविटी होती है ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, जबकि रजिस्टेंस कंडक्टर की लेंथ और एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है। क्लियर, आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में अब अपन देखेंगे कि जो रेजिस्टिविटी आपने निकाली कि टेम्परेचर के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करती है। ओके, थैंक यू।